सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में फिर से खींचतान जारी है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ने के लिए जमीन तो कहीं नहीं तैयार कर रहे, कुछ नए ऑप्शंस तो नहीं ढूंढ रहे। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी हर्षा। जब जनता के बीच अब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अब आर पार की लड़ाई दिख रही है। चुनाव में सिर्फ 8 महीने बचे हैं और पायलट ने अब अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। वो एक दिन के धरने पे बैठेंगे। मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट ने मुख्यमंत्री के बयानों को पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन भाजपा पर लगाए गए आरोपों की जांच तक नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान गहलोत के समर्थन में दिख रही है। पार्टी पायलट का मुद्दा प्रभारी से सुलझाने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। कोविड के दौरान हमारे एमएलए को खरीद कर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं, जांच हो रही है। और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहां महासचिव जो है प्रभारी महासचिव उनके संज्ञान में लाना चाहिए। तो क्या पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे? विकल्प तो कई हैं। राजनीति में विकल्प कई खुले होते हैं, जब तक चुनाव नहीं हो जाए जब तक बहुत सारे विकल्प हैं। और मैं तो आपको पहले कह दिया कि हम लोग सचिन पायलट जी के साथ हैं, जिस विकल्प के साथ वो जाएंगे, जहां जाएंगे हम सचिन पायलट जी के साथ में रहेंगे। सब लोग कह चुके, पहले भी कह चुके, आज भी कह रहे हैं और कल भी हम कहेंगे। सचिन पायलट अखाड़े में उतर गए हैं, लेकिन इस राजनीतिक दंगल में प्रतिद्वंदी कौन होगा? खुद की पार्टी या भाजपा, या फिर कोई तीसरा मोर्चा खुल सकता है? ये देखना आगे होगा। जयपुर से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।